हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई प्राइवेट एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट टू एग्ज़ाम और एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के फॉर्म्स आपने भर लिए होंगे। अब क्या करना है आपको, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो फॉर्म भरने के बाद में आपको करनी है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको भी अच्छे अंक चाहिए और उसकी प्लानिंग आप कर रहे हो या उसके लिए आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कमाल के एप्लीकेशन डाउटनेट के बारे में, जिसकी सहायता से आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सॉल्यूशन 2 सेकंड में बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको फोटो लेना है, फोटो को स्कैन करना है और इसको क्रॉप करके भेज देना है और तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपको ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो सॉल्यूशन आपको पसंद आए उसको देख लीजिए। इनके व्हाट्सएप नंबर पर भी आप फोटो को स्कैन करके भेज सकते हो, वहां पर भी आपको सॉल्यूशंस तुरंत 10 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों, मेरा उद्देश्य ये कदापि नहीं है कि हम आपको आपके रास्ते से भटकाएं, बस आपको गाइड करना है। अगर आपको ये सलाह अच्छी लगेगी तो मानिएगा, नहीं तो कैसे भी करके आप अपनी पढ़ाई करिए, आपके अच्छे मार्क्स आएं और वही आपका भी उद्देश्य है और उसी में हमें भी खुशी होगी। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अब एक अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए जो आपकी सेल्फ स्टडी पे बेस्ड हो। आप कहीं भी पढ़ने जाते हो, कोचिंग पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, वो पढ़ाई महत्व रखती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वो है आपका खुद का पढ़ा हुआ, और इसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और यहीं से आपको आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो बच्चों, एक सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए कि इतनी देर तक हम पढ़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट को जो भी आपको एग्ज़ाम में देना हो, जिसमें बैठना हो, उसको सही से प्रॉपर अमाउंट में टाइम दीजिए और उसकी तैयारी ठीक से करिए। चाहे वो इजी सब्जेक्ट हो या टफ सब्जेक्ट हो, सम्मिलित आपको सबको करना है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये समझने के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया कि किस तरीके से आप मैनेज करोगे और किस तरीके से आगे बढ़ोगे, तो आपको सब कुछ आ गया। बच्चों, तो एक टाइम टेबल बना लो, उसके आधार पर अपनी पढ़ाई करो, और ऐसा अगर आप करोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सारे सिलेबस पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे सीबीएसई के आ चुका है, और आपको पता होगा कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, खास करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो और भी क्वेश्चन के फ्रेमवर्क और डिज़ाइन में क्वेश्चन पेपर के चेंज हुआ है, तो इसको तो डाउनलोड करना मस्ट है और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करिए। कितने डायग्राम्स आने हैं, कितने क्वेश्चंस छोटे आएंगे, कितने बड़े आएंगे, और उसी के साथ में आप ये भी जान पाओगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर पे कंसंट्रेट करना है, कौन से पेपर से कितना मार्क्स का, कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें जान लीजिए और फिर अपना प्लान बनाइए ताकि आपको सफलता आपके मन मुताबिक मिल सके। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर हो सकता है आपने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा हो, आप 2 बार फेल हो चुके हों और तीसरी बार आपको डर लग रहा है, या आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है, आप एक बार सफल नहीं हो पाए, या आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है, आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, तो सबसे पहला चरण इसमें यही है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा बच्चों, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको डर लगेगा और उस डर की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पर एक और बात है जो इम्पोर्टेंस रखती है और वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि कितने टाइम में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और आपको क्वेश्चंस किस तरीके से लिखने हैं कि आपके 3 घंटे 2.5 घंटे के पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो जाए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अच्छे अंक आपके निश्चित रूप से आएंगे, और जैसे जैसे आपका टाइम आ रहा होगा हम आपको इसी तरीके की वीडियोस देते रहेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बच्चों इतना ही।
फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।